शहर के एनीबी थाना क्षेत्र के 200 फुट रोड जाट कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने रेखी कर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने करीब 9 लाख रुपए के गहने, नकदी व अन्य सामान में हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना पीड़ित परिवार को घर पहुंचने पर लगी। पीड़ित विनोद महावर ने बताया कि उनका परिवार मामा की शादी में शरीक होने लक्ष्मणगढ़ गया हुआ था। घर लौटे तो देखा कि कमरे के अंदर सामान बिखरा हुआ है व अलमारी के ताले टूटे हुए हैं। जांच की तो पता चला कि चोरों ने करीब 60 से 70 हजार की नकदी, सोने के हार, कुंडल, चैन, चूड़ी, चांदी के आभूषण, लैपटॉप व अन्य आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए आंकी गई है। पीड़ित परिवार ने चोरी की सूचना थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। और जैसे हम सब पूरे परिवार शादी में गए थे, जैसे हम आए थे शादी में तो देखा कि घर के लॉक वगैरह टूटे हुए हैं और सामान पूरा बिखरा हुआ है और घर के जेवरात वगैरह सब गायब थे। जेवरात में जैसे सोने का हार था, 3 सोने की चैन थी, 7 जोड़ी पजियों थी, कुंडस वगैरह थे, बच्चों के ओम वगैरह थे सोने के, और 60 हजार रुपये कैश थे, सब ले गए चोर। अच्छा, तो कौन से थाने का मामला है ये? एनएबी थाने का मामला है, रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। एनएबी क्षेत्र कहाँ का मामला है ये? अपने जाट कॉलोनी का, जाट कॉलोनी का। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज हो गई? हाँ जी, रिपोर्ट दर्ज हो गई। कितने लाख का सामान गया? मिनिमम 8-9 लाख रुपए का सामान गया। 8-9 लाख।